फाइव सेकेंड, टू सेकेंड, रेडी। आई एम ग्लैड टू वेलकम यू टू दिस फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन लेटर्स टू बी हेल्ड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ लेटर्स एक्सटेंड्स ओवर मिलीनियम्स एंड इज एविडेंस ऑफ द इनेट जीनियस ऑफ द पीपल एंड द इनकरेजमेंट एंड सपोर्ट एक्सटेंडेड बाई इनलाइटेंड किंग्स एंड अदर लवर्स ऑफ लेटर्स। दीज ग्रेट ट्रेडिशंस स्टिल रिमेन बट फॉर रीजन्स विच आर वेल नोन द पेट्रोनेज विच इन द पास्ट वॉज एक्सटेंडेड टू लिटरेचर बाय द स्टेट हैज बीन अब्सेंट एवर सिंस इंडिया लॉस्ट हर इंडिपेंडेंस। नाउ दैट इंडिया इज फ्री इट इज इम्परेटिव दैट वी ट्राई टू मेक अप फॉर द लॉस्ट ग्राउंड एंड क्रिएट कंडीशंस इन विच आवर लैंग्वेजेस कैन डेवलप दियर इनेंट पोटेंशियलिटीज एंड कंट्रीब्यूट टू द हेरिटेज ऑफ द वर्ल्ड। आई मे ब्रीफली रेफर टू द प्रपोजल विच वॉज पुट फॉरवर्ड ओवर 5 years ago by the Asiatic Society of Bengal for the establishment of a national cultural trust. This was to be charged with the task of stimulating and promoting the culture of the country in all its aspects. The society proposed that the trust should function as an autonomous body and consist of 3 academies, an Academy of Letters to deal with the Indian languages, literature, philosophy and history, an Academy of Art and Architecture, and an Academy of Dance, Drama and Music was intended that these academies should aim at maintaining and improving the standards of achievement of all these fields of culture, since literature and culture can flower best in an atmosphere free from the restrictive influences of officialdom. It was proper for the Asset Society to recommend that the trust should be an independent body, predominantly non-official of its composition and operate through its own agencies. In order to give greater freedom to the trust and made to independently of annual grants from the central or provincial governments, the society also proposed that an endowment of 4 crores of rupees should be created. The proposals were referred to the Central Advisory Board of Education, which asked one of its committees to examine them. Accordingly, it was recommended that the central government should contribute 50% while the provincial governments and the Indian states should contribute the balance. You are all aware that ever since the attainment of independence, the country has been passing through a period of difficulty. As you know, the financial difficulties still continue, and this is not certain when the government will be in a position to carry out its program in respect of the trust. Nevertheless, a beginning has been made
एंड एन ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑन आर्ट वॉज हेल्ड एट कलकत्ता इन अगस्त 1949 एज अ रिजल्ट ऑफ विच एन एडवाइजरी बॉडी ऑन आर्ट वॉज सेटअप वी हैव डिसाइडेड टू होल्ड द कॉन्फ्रेंसेस ऑन लेटर्स एंड ऑन डांस ड्रामा एंड म्यूजिक ड्यूरिंग द करेंट ईयर सो दैट द एडवाइजरी बॉडीज फॉर दीज सब्जेक्ट्स मे ऑल्सो बी सेटअप विदाउट फर्दर डिले इन द परजुएंस ऑफ दिस डिसीजन दैट वी हैव मेट टूडे एंड आई एम होपफुल दैट योर डिलीब्रेशन विल हेल्प अस द अटेनमेंट ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स आई एम ग्लैड टू फाइंड दिस एरे ऑफ नॉन ऑफिशियल टैलेंट इन दिस असेंबली द मोर सो एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉन ऑफिशियल इनिशिएटिव इन द फील्ड्स ऑफ कल्चर कैन नॉट बी ओवर एम्फेसाइज्ड इफ यू लुक एट द एजेंडा यू विल फाइंड दैट द फर्स्ट आइटम फॉर योर कंसिडरेशन इज अ प्रपोजल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडियन अकेडमी ऑफ लेटर्स विच विल कोऑर्डिनेट लिटरेसी एक्टिविटीज इन ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस कोऑर्डिनेट इज परहैप्स एन अनफॉर्चुनेट वर्ड बिकॉज ऑल लिटरेरी क्रिएशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फ्रीडम ऑफ द स्पिरिट एंड डज नॉट लेंड इटसेल्फ टू कंट्रोल एन ऑर्गेनाइजेशन व्हाट हाउएवर एन एकेडमी कैन डू इज टू कंसीडर वेज एंड मींस फॉर द प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ एन ओवरऑल सर्वे ऑफ लिटरेचर इन ऑल द इंडियन लैंग्वेजेस सो दैट थ्रू ग्रेटर नॉलेज ऑफ वन अनदर एफर्ट्स लिटरेरी मैन एंड वोमेन इन ऑल द लैंग्वेजेस कैन बी स्प्योर्ड टू ग्रेटर एक्टिविटी एंड हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ अ लिटरेचर विच इज comparable to that of the advanced languages of the world. So long as there was an alien government in the country, the people were suspicious of any governmental interference in the sphere of literature and culture. This was natural for the people feared that such interference would have political implication. Today, with the establishment of a national government, there need be no such political fears, and some people in fact expect the government to be entirely responsible for the development of our languages. I would, however, like to state that even a national government cannot and should not be expected to develop literature and culture through official orders. The government should certainly help both by material assistance and by creating an atmosphere which is congenial to cultural activities, but the main work of the development of literature and culture must be the responsibility of individuals endowed with talent and genius.